क्या बार्थोलिन सिस्ट की सर्जरी ज़रूरी होती है? क्या बार्थोलिन सिस्ट वापस आ जाती है? कैसे हम इसका आना रोक सकते हैं? क्यों ये होती है? बार्थोलिन सिस्ट के रिगार्डिंग जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे इस वीडियो में दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपके सवालों का सॉल्यूशन के लिए ही डेडिकेटेड है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो बार्थोलिन सिस्ट के बारे में मेरे पेशेंट्स द्वारा पूछा गया सबसे कॉमनेस्ट सवाल जो होता है वो ये होता है, मैडम क्या इसकी सर्जरी करानी ज़रूरी है? क्या हम इसकी सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? तो देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके केस में जो बार्थोलिन सिस्ट है उसका साइज़ कितना बड़ा है, वह छोटी है या बड़ी हो चुकी है। छोटी यानी कि 2 सेंटीमीटर से छोटी है, या फिर वो 2 सेंटीमीटर से साइज़ के अंदर बड़ी है, लगभग 3-5 सेंटीमीटर की है। एक्टिव उसके अंदर पस दिखाई दे रहा है, यानी कि फील हो रहा है या सिम्टम्स लग रहे हैं कि उसके अंदर पस भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, और बार्थोलिन सिस्ट आपको कितनी तकलीफ दे रही है, दर्द कितना अधिक है, क्या आपको इसके साथ में बुखार भी आ रहा है अथवा नहीं आ रहा। ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो डिसाइड करते हैं कि बार्थोलिन सिस्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी या नहीं। जैसे कि अगर सिस्ट का साइज़ छोटा है, 2 सेंटीमीटर से छोटा है, आपको दर्द बहुत अधिक नहीं है, बुखार भी नहीं आ रहा है और ये आपको पहली बार हुई है, तो डेफिनेटली हम आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दे सकते हैं। 5-7 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है, जिससे कि कुछ मरीज़ों में बिना सर्जरी के ही बार्थोलिन सिस्ट ठीक हो जाती है। उसमें उससे जो इन्फेक्शन हुआ है वह ठीक हो जाता है और वह अपने साइज़ के अंदर सबसाइड कर जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। परंतु जिन पेशेंट्स के अंदर इसका साइज़ बड़ा है, ऑलरेडी 4-5 सेंटीमीटर का हो चुका है, अंदर पस भरा हुआ है, दर्द काफ़ी अधिक है, बुखार भी साथ में आ रहा है, या फिर ऑलरेडी एक बार आपको एंटीबायोटिक देके ठीक किया गया और ये वापस से आपको हो गई है, तो ऐसे केसेस के अंदर यूजुअली सर्जरी की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि यूजुअली एंटीबायोटिक्स ऐसे केसेस में खाली एंटीबायोटिक्स देना फेल हो जाता है और हमें यूजुअली सर्जरी करनी पड़ती है। ऑल्दो सर्जरी के साथ भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो सर्जरी करनी है या नहीं करनी है वह डिपेंड करता है कि आपकी सिस्ट किस प्रकार की है। अगला कॉमन सवाल, क्या बार्थोलिन सिस्ट वापस हो सकती है? क्या उसका रिकरेंस होता है? तो जी हाँ, बार्थोलिन सिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका कि 20-30% रिकरेंस रेट पाया जाता है। जी हाँ, लगभग 20-30% संभावना होती है कि बार्थोलिन सिस्ट वापस आ सकती है। तो क्या करें जिससे ये वापस ना आए? वापस ना आने के लिए आप थोड़ा अपना हाइजीन पर ध्यान रखिए, इन्फेक्शन उस एरिया में ना हो, क्योंकि बार्थोलिन सिस्ट होने का जो प्रमुख कारण है वह यूजुअली उस एरिया में होने वाला इन्फेक्शन होता है। बार्थोलिन सिस्ट होती क्यों है? बार्थोलिन सिस्ट में क्या होता है, बेसिकली एक बार्थोलिन ग्लैंड होता है आपके वेजाइना के अंदर, जो कि कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट कर रहा होता है, जिससे कि आपकी वेजाइना जो है वह ल्यूब्रिकेटेड रहे। परंतु कभी कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी चोट यानी कि ट्रॉमा की वजह से उस सिस्ट की जो डक्ट होती है, यानी कि जो नली होती है, वह ब्लॉक हो जाती है, और जिसके कारण जो सिक्रीशंस होते हैं वह पीछे इकट्ठे हो जाते हैं और वह एक सिस्ट का रूप ले लेती है। तो बार्थोलिन सिस्ट से अगर बचना है, इसके रिकरेंस से बचना है, तो इन्फेक्शन ना हो वह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाइजीन इम्पॉर्टेंटली मेंटेन करके रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से मरीज़ों को सर्जरी एडवाइस होती है और वह जानना चाहते हैं कि सर्जरी में हम क्या करते हैं, या फिर ये जो मार्सुपलाइजेशन है यह क्या चीज़ है। तो देखिए, इसकी जो सर्जरी की जाती है उसमें यूजुअली इंसिजन लगाया जाता है, और जो अंदर सिस्ट के अंदर जो भी चीज़ है, अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जो सिस्टिक वॉल है, उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद इसको खुला रखा जाता है, इसको टांके लगा के बंद नहीं किया जाता, बल्कि 4 टांके इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि सिस्ट की जो वॉल है ये ओपन रहे, ताकि वापस वो बंद होकर रिकरेंस ना हो। तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को, इस सर्जिकल टेक्निक को हम लोग हमारी भाषा में मार्सुपलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि हम उसे बंद ना करके बल्कि खुला रखते हैं, 4 टांके इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि वह खुला रहे। तो अगर आपको बार्थोलिन सिस्ट है तो घबराइए नहीं, अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर से मिलिए, और इन जनरल जो ट्रीटमेंट्स इसमें मदद करते हैं, एंटीबायोटिक्स या सर्जरी, इन सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ वह होती है सिट्स बाथ। जी हाँ, गुनगुने पानी में सेक, यानी कि आप एक बड़ा सा टब लीजिए, उसमें 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, उसमें बड़े से टब के अंदर गुनगुना पानी भर दीजिए, उसमें 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को बैठिए। ये जो सिट्स बात होते हैं, ये जो सेक होते हैं, ये उस एरिया की सूजन को, स्वेलिंग को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे कि आपके दर्द में भी राहत आती है, और बहुत सी बार
अगर पस निकलना है तो वह भी अपने आप निकल जाता है और सर्जरी भी कई बार बच सकती है। तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे हैं, यानी कि अगर आपकी सर्जरी नहीं हो रही है या, तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि सिक्स बाथ साथ में ज़रूर लीजिए। आई होप बार्थोलेंसिस के रिगार्डिंग आपके जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।